नमस्कार मंडळी, कसं काय? बरेच दिवस झाले आपण भेटलो नाही. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हर्च्युअल डिस्कवरी ऑफ इंडिया. आज हम और एक केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करेंगे. ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी. एंड टुडे वील बी ट्रैवलिंग टू यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, फॉर्मरली नोन एज पॉन्डिचेरी. पुदुचेरी इन तमिल मीन्स अ न्यू सेटलमेंट, मतलब एक नई वस्ती, एक नया शहर. तर चला चालू करूया. पहले लेट्स फाइंड आउट ये यूनियन टेरिटरी है कहाँ. ओ भैया, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी चलोगे? नहीं नहीं, उधर नहीं जाने का, मेरे को मालूम नहीं हो किधर है, कंफ्यूजिंग है बहुत. है यूजुअली अपना रिक्शा वाला भैया इज वेरी इरेशनल, बट दिस टाइम ही हैज अ वैलिड पॉइंट. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. विच स्टेट सराउंड्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश. इफ यू सेड ए तमिलनाडु, यू आर रॉन्ग, बिकॉज द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. सबको लगता है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी इज सराउंडेड बाय तमिलनाडु, बट एक्चुअली ओनली वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, विच इज द पुदुचेरी डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सराउंडेड बाय तमिलनाडु. देर आर ऑल्सो थ्री अदर डिस्ट्रिक्ट्स, काराईकल विच इज ऑल्सो सराउंडेड बाय तमिलनाडु, देन देर इज माहे विच इज ऑल द वे ऑन द अदर कोस्ट सराउंडेड बाय केरला, एंड देन देर इज यनम विच इज टू द नॉर्थ इन आंध्र प्रदेश. Yes, you heard that right. One union territory is distributed across three different states. Now, if you are wondering, ये union territory ऐसा फैला हुआ क्यों है, तो उसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा इतिहास, history. The history of this union territory is actually the history of the French in India. When it comes to colonizing India, we mainly think about the British. However, there were also other European countries who had colonized and taken over certain parts of India. For example, we already know about the Portuguese who had colonized Goa, but there were also other European countries like the Dutch, the Danes, and the French. After the arrival of the European powers in Puducherry, the district kept shuffling between different European powers, but eventually French log ne wahan pe apna dera jama diya. French also had other trading posts and forts and lodges all around India, including Chandernagar in West Bengal area. They had Karaikal, they had Mahe and Yanam. But it was the current Puducherry district which used to be their capital in India. These colonies remained with the French till India got independence in 1947. Uske baad Indians ne French ke saath negotiations start kiye. Arre wo tumhara British log gaya, abhi Portuguese ko bhi hum nikal denge, wo tum bhi jao. क्या करोगे इधर? द फ्रेंच डिड नॉट गो अवे इमीडिएटली. दे ऐसा वन बाय वन वो लोग ने बोला, पहले ये लो चंद्रनगर तुम लोग रख लो, वेस्ट बंगाल में मर्ज विच कर लो, तुम लोग को जो करने का है बाकी का अपन देखते स्लोली स्लोली. आफ्टर सीडिंग चंद्रनगर इन 1950, इन 1954 द फ्रेंच गेव अवे द इनक्लेव्स और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराईकल, माहे, यनम एंड पुदुचेरी टू इंडिया, बट वो लोग ने वो डिस्ट्रिक्ट इंडिया को बस जुबानी दिए थे. एंड देन इन 62, मतलब 8 ईयर्स के बाद, वो लोग ने ऑफिशियली इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन की और फ्रेंच पार्लियामेंट में उसको साइन किया और रेटिफाई किया. अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी, फ्रेंच ने बोला कि ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया के बाकी स्टेट के साथ मर्ज नहीं होने चाहिए और एज वन यूनिट रहने चाहिए, एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी. एंड दैट्स हाउ इट हैज रिमेंड टिल डेट. वैसे पुदुचेरी डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री क्या फ्रेंच के आने के बाद ही स्टार्ट नहीं होता? पुदुचेरी का हिस्ट्री बहुत पुराना है. इतना पुराना कि जब जीसस क्राइस्ट जिंदा थे तब के टाइम के रोमन बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड अरिकामेडू, विच इज 7 kilometers अवे फ्रॉम पुदुचेरी. सिंस द यूनियन टेरिटरी वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी, डू द पीपल ऑफ द यूनियन टेरिटरी स्पीक फ्रेंच? जब तक वहाँ पे फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन था, फ्रेंच कॉलोनी था, बहुत सारे लोग वहाँ पे एक्चुअली फ्रेंच बोलते थे. एंड फ्रांस ने जब इंडिया के साथ ट्रीटी साइन किया तो उसमें लिखा था कि फ्रेंच शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनियन टेरिटरी, बट इंडिया ने एक खुद का एक्ट पास किया और बोला कि तमिल विल बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद मलयालम एंड तेलुगु in Mahe and Yanam respectively. And they also mentioned that English would be another language of communication. वो लोग ने officially कहीं लिखा नहीं कि French is not the language. तो technically India did nothing wrong.
The official gazette of the Union Territory is also called La Gazette d'Alta Dupuzuri, but it is completely written in English. In terms of administration and governance, the Union Territory of Puducherry is similar to the Union Territory of National Capital Territory of Delhi. The Union Territory also has its own elected assembly and a cabinet of ministers, giving it partial statehood. The Legislative Assembly of the Union Territory has 30 seats. 23 of those are in Puducherry district, 5 are in Karaikal district, 1 is in Yanam and 1 is in Mahe. The center is represented by a lieutenant governor who resides in Raj Nivas, also called as Palais du Gouverneur. Matlab governor ka palace, jahan pe the French governor used to live when this was still a French colony. The Union Territory as a whole also has one Lok Sabha seat. The Union Territory has such a unique mix of French and local influence that a lot of tourists come from all over the world and also India to experience this combination of two cultures. Puducherry is also famous for Sir Aurobindo Ghosh, who was a freedom fighter from Bengal who later turned a spiritual guru. He had his own ashram in the region and a lot of people from all over the world came to this ashram for spiritual education. Yes, Puducherry ke paas maa hai. Meera Alfasa, also known as the mother by her followers, was the follower and successor of Sir Aurobindo Ghosh. She founded an experimental city called Aurobil, which is just outside the district of Puducherry. The idea of the city was that it's a city with no boundaries and people from all over the world with different nationalities and different belief system can come and live here peacefully. Apart from the French influence and the ashram influence, there are also other places to visit. There are beautiful churches, there are old temples, very old temples, 16th century temples in Puducherry which are beautiful and worth visiting. Thank you everyone, thank you for watching this video. I hope you really enjoyed it. This was just a trailer of the Union Territory. There is obviously so much more to learn. खुद से वहाँ पे जाओ, explore करो, वहाँ का खाना खाओ, वहाँ के लोगों से मिलो, वहाँ के architecture को देखो, वहाँ के culture को experience करो. And always remember, don't depend on me, don't depend on what I say, do your own research. Because finally that is अपना goal, to become better Indians, better human beings. And that you can only do by exploring and reading and learning. And remember, वाचाल, तर वाचाल.